बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद याकूब खान और कुदरत की रानाइयों से भरपूर कश्मीर की वादियाँ हुस्न और जमाल का आला नमूना पेश कर रही होती हैं। और अगर देखा जाए तो कश्मीरी सकाफत बड़ी रिच सकाफत है, पूरी दुनिया में कश्मीरी खानों की बात की जा रही होती है, तवज्जो का मरकज होते हैं कश्मीरी खाने। आज इस पे भी बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मकबूजा कश्मीर की भी बिगड़ती हुई सूरत हाल पे भी बात करेंगे। पहले हिस्से में हमारा साथ दे रहे हैं सरदार अतीक सखावत साहब, जो पीटीआई आजाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा हैं। अतीक साहब, आपको खुशामदेद कहते हैं। क्या कहते हैं कि कश्मीरी सकाफत बहुत रिच सकाफत है, वहाँ टूरिज्म की अगर बात की जाए तो वहाँ वादियाँ जो हैं वो बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं, कुदरत की ये दिलकश मनाजर वहाँ पेश हो रहे होते हैं। क्या कहते हैं कि कश्मीरी सकाफत को किस तरीके से प्रिजर्व किया जाए, क्या आपकी प्लानिंग होगी, आप आगे इलेक्शन में भी जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया राशिद साहब। किसी भी कौम की तहजीब और सकाफत जो होता है, यही वो विरसा है जो कौम तहजीब और सकाफत ही को अपनी अगली नस्लों के अंदर जो है वो मुंतकिल करती है। और जिस तरह आपने फरमाया कि कश्मीरियों की एक बड़ी ही मजबूत एक तहजीब है, एक सकाफत है, शाइस्तगी, अदब और हुनरमंदी और कारीगरी कश्मीर के अंदर सदियों से इसकी तूती बोलती आ रही है कश्मीरियों की इस बारे में। और जिस तरह के ये जो कश्मीर की जो वादियां जिनका आप कह रहे हैं कि आज जिन वादियों के अंदर खून की होली खेली जा रही है, कभी इसी वादी के बारे में बाबर ने कहा था गर जन्नत बरुए जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत का कोई टुकड़ा है तो वो हमारे पास है, वो कश्मीर है। आज इस कश्मीर को अगर पुरअमन हालात होते तो यकीनन पूरी दुनिया इस कश्मीर की इस हुस्न से वो महजूज होती, इसको देखती। मगर कश्मीर के अंदर खून की होली खेली जा रही है, और जब किसी कौम पर जंग मुसल्लत की जाती है तो सबसे बुरी तरह जो चीज मुतासर होती है वो उस कौम की तहजीब और सकाफत है। लेकिन आप क्या कहते हैं कि जो कश्मीरी सकाफत दुनिया का अगर देखें तो तवज्जो का मरकज रही है, उस कश्मीरी सकाफत को प्रिजर्व करने के लिए, महफूज बनाने के लिए हुकूमती सतह पे कितनी सरपरस्ती की जरूरत होती है? इस वक्त तक तो हम जो देखते हैं माजी के अंदर जो हुकूमतें आई हैं, आपकी तहजीब और सकाफत को पजीराई मिलेगी टूरिज्म से, दुनिया उसको जानेगी कि कश्मीरियों की तहजीब क्या है। आज आप जो बहुत फूडीज हैं, ये जो लोग बहुत खाना खाने के शौकीन होते हैं जिन्हें फूडीज कहते हैं, अगर आप उनसे आप पूछे तो उनसे कहें कि आपने कभी गोश्ताबा खाया है, तो यकीन उन्होंने नहीं खाया होगा, क्योंकि हम उन तक गोश्ताबा इंट्रोड्यूस करने में ही नाकाम हो गए, जो कश्मीरी कुजीन की एक यूनिक डिश है। इसी तरह जो कश्मीरी करियां हैं हम दुनिया के सामने प्रेजेंट ही नहीं कर सके उस तरह से। तो ये जो टूरिज्म है ये इंटरलिंक करता है कि जब कश्मीर के अंदर टूरिज्म होगा तो कश्मीरी तहजीब और सकाफत को भी फरोग मिलेगा। हुकूमती सरपरस्ती तहजीब और सकाफत के फरोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अफसोसनाक बात यह है कि माजी के अंदर आजाद कश्मीर के अंदर टूरिज्म के ऊपर किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
जनाब वज़ीर-ए-आज़म तो पहले से ही टूरिज्म को बतौर इंडस्ट्री पूरी दुनिया के अंदर, वो हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान और कश्मीर जो है वो टूरिज्म डेस्टिनेशन है पूरी दुनिया की, और हम इस टूरिज्म के लिए हमने आज तक कोई प्रॉपर जो कहते हैं ना कि मंसूबाबंदी हम नहीं कर सके कि हमारे पास जो देखने की वादियां, जो झरने, जो जड़ी बूटियां, जो हमारे पास जानवरों की अकसाम, आप ये देखें कि दुनिया पूरी के अंदर जो कश्मीरी शॉल पश्मीना है वो किसी और जगह ना बन सकती है, और जिस बकरी की बालों से वो बनती है वो बकरी किसी और जगह पनप भी नहीं सकती। तो ये जो यूनिकनेस है ये कश्मीर के पास मौजूद है, और हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंशाल्लाह जब वो आएगी तो ये जो पीर पंजाल रेंज है, जो देखने वाले नजारे हैं, हम पूरे पाकिस्तान और बैन अवी दुनिया के लिए इसको खोलेंगे कि लोग आए और इस हुसन से जो है ना वो इसको हुसन महजूज उसको देखें। बिल्कुल सही है, टूरिज्म टूरिज्म की आपने बात की, आप क्या कहते हैं कि प्राइवेट पार्टनरशिप की बात वहाँ आजाद कश्मीर में की जा रही है लेकिन उस तरीके से अमल दरामद नहीं किया गया है, क्या आप समझते हैं कि नौजवान बड़ी तेजी से वहाँ बेरोजगार भी हैं, डिग्रियां ले रहे हैं लेकिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, टूरिज्म बेरोजगारी के खात्मे का जरिया नहीं बन सकता आजाद कश्मीर में? बिल्कुल दुरुस्त बात आपने फरमाई कि आजाद कश्मीर के अंदर जो पढ़ा लिखा नौजवान तबका जो आगे आ रहा है अगर हुकूमत इनकी सरपरस्ती करे, क्योंकि टूरिज्म के लिए भी एक खास एटमॉस्फेयर की जरूरत है और उस एटमॉस्फेयर को बनाने के लिए हमारे पास पढ़ी लिखी यूथ का बड़ा किरदार है। ये जो लोग डिग्री होल्डर्स आ रहे हैं इनके लिए अगर एक वेन्यू ओपन कर दिया जाए, इनको वेन्यू ओपन करके इनको इंसेंटिव दिए जाए, एक तो हमारी बेरोजगारी का खात्मा होगा, दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर एक अच्छा टूरिज्म का माहौल डेवलप होगा। तो इसके लिए हमारे ये दो जो दोनों हमारी पर्पज है ये सर्व होंगे, टूरिज्म को ओपन करने से, कश्मीर को एक्सप्लोर करने के लिए, इसकी ब्यूटी को एक्सप्लोर करने के लिए हम नौजवानों को प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से भी, और फिर इंसेंटिव दिए जाए नौजवानों को जो एजुकेट होके आते हैं कि वो प्रॉपर गाइड्स और इस तरह के हवाले से ट्रेन किया जाए। कश्मीर के अंदर एक काम तो हुआ जो हमारे पास एक हमारे पास टूरिस्ट पुलिस हमने इंट्रोड्यूस जिस तरह हुई है जो माजी ने किया, इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी तरह हमें टूरिज्म को और टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए मुख्तलिफ इदारे बनाने चाहिए जिसके अंदर हमारी ये खेप भी आएगी, और फिर टूरिज्म को एक जदीद शक्ल देने के लिए देखिए पैराग्लाइडिंग है, हाइकिंग है, इस तरह के शोबे हैं जिसे दुनिया करना चाहती है, और हमारे पास वो पोटेंशियल मौजूद है, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ही के जरिए हम जो है ना इसको ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि पीर चनासी जिस तरह है, इसी तरीके से बहुत अच्छी अच्छी जगह आजाद कश्मीर में, वहां अगर देखा जाए तो चेयर लिफ्ट की भी जरूरत है, लग भी सकती है प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए, इस तरफ कितनी तवज्जो की जरूरत है? देखिये चेयर लिफ्ट के लिए तो आप देखें कि हमारे पास जो पंजाब रेंज है इस पहाड़ों के अंदर, इनके अगर हम चेयर लिफ्ट लगाए तो ये एक आप यूनिक व्यूज हैं, और ये जो लिफ्ट्स हैं चेयर लिफ्ट्स हैं ये ही वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हमारा यहाँ पे हमें इसके लिए एक तो ये चाहिए। फिर हमारी जो अगली रेंज है जहाँ पे हम विंटर्स गेम्स हो सकती है, हमारे पास स्कीइंग हो सकती है, स्नो बोर्डिंग हो सकती है, इसके लिए भी हमारे पास आगे रेंज मौजूद है 5 साल के लिए, तो हम 4 सीजन टूरिज्म ला सकते हैं, सर्दियों का टूरिज्म भी 4 सीजन टूरिज्म के वहाँ पे सर्दियों में भी लोग जाए और जो विंटर स्पोर्ट्स हैं उनसे एंजॉय करें, वहाँ ऐसी वैलीज मौजूद है नीलम और उसके ऊपर के इलाके, तो हम 12 महीने अपने टूरिज्म से जो ना कश्मीर जो है ना वो बिल्कुल सही है। आजाद कश्मीर में अगर देखा जाए तो आजाद कश्मीर के जो नौजवान तबका है, कश्मीरी कल्चर की जब बात की जा रही होती है तो वो हम देख रहे होते हैं कि कश्मीरी कल्चर से वो दूर हैं, उनको नहीं पता होता है, कितनी जरूरत है कि स्कूल की सतह पे, कॉलेज की सतह पे, यूनिवर्सिटी की सतह पे एक सब्जेक्ट रखा जाए और वो मुतारफ भी करवाई जाए ये सकाफत? भाई साहब इसके लिए तो कहते हैं कि जो कौमें अपने माजी को भूल जाती हैं उनका मुस्तकबिल में भी कोई हिस्सा रह नहीं जाता, और आपका तहजीब और आपकी सकाफत जो है ना यही आपको आपके माजी की उस असास के साथ जोड़े रखती है। इसको ना सिर्फ ये कि बतौर इसको सब्जेक्ट एक स्पेशल सब्जेक्ट कश्मीर की तहजीब और सकाफत क्या है जो चीजें भाई साहब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, तहजीब हमारे रवैये और अतवार हैं और सकाफत वो चीजें हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर खुद बनाते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम ये बात कहते हैं कि जंदरा जो बैल के कंधे पर रखा जाता है वो हमारी तहजीब सकाफत का हिस्सा है, वो मदानी जिससे हम लस्सी बनाते हैं वो हमारी सकाफत का हिस्सा है, वो जो ओवरऑल सा पहनते हैं वो हमारी सकाफत का जंदर जो जंदर है, खवातीन जो वो सर पे बांधती है दुपट्टे को जिस अंदाज में, ये हमारी सकाफत का हिस्सा है। वो खास किस्म के हार जो हमारी खवातीन पहनती हैं, वो जूती खास किस्म की बनाई जाती है सर्दियों के लिए, खड़ावे, ये सब चीजें हमारी
ثقافت ہے اور اس ثقافت کو اگلی نسل تک پہنچانے کے لیے جس چیز سے آپ کو راشد صاحب دلچسپی ختم ہو جائے اس کا وجود ختم ہو جانا شروع ہے. جب تک ہم نوجوانوں کے اندر یہ دلچسپی پیدا نہیں کریں گے کہ یہ وہ ہماری تہذیب اور یہ ثقافت ہے ہماری نسلوں کی, اس سے ہمیں محبت پیدا ہوگی. آپ کو ٹی وی, آپ کا میڈیا, آپ کے لکھنے والے, یہ سارے لوگ جب آپ کی تہذیب اور ثقافت کو پروموٹ کریں گے تو وہ نوجوان نسل جو ایک یورپین کلچر کی طرف مائل ہو رہی ہے وہ واپس اپنے تہذیب اور ثقافت کی طرف. ضروری ہے کہ کوئی فیسٹیول کروائے جائیں, فیسٹیول کروائے جائیں. لباس آپ کا حکمران جو پہنتا ہے نا, آپ کا عام آدمی وہی لباس پہننے کی کوشش کرتا ہے. آپ کا حکمران جو زبان بولتا ہے, آپ کا عام آدمی بھی وہی زبان بولنا چاہتا ہے. اولاً تو یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کو اپنی ثقافت کی طرف لوٹنا چاہیے, ہمارے بزرگوں کو ہمیں ثقافت کو واپس لانا چاہیے تاکہ نوجوان اپنی ثقافت اور تہذیب کی طرف لوٹے, تاکہ انہیں اپنا ماضی یاد رہے اور تاکہ ان کا مستقبل تابناک ہو سکے. بالکل صحیح ہے. لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ جو کشمیری کھانوں کی بات کی جا رہی ہے, آزاد کشمیر میں اگر دیکھا جائے تو وہ کشمیر کے وہ والے کھانے اس طریقے سے نظر نہیں آتے. راشد صاحب ایسا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس جو کہ تار جو ہمارے پاس چار وہاں پہ ہیں, گوجری ہیں, کشمیری ہیں, پہاڑی ہیں اور یہ جو ڈوگری ہیں, ان سب کے لباس اور پہناووں کے اندر بھی ایک ویریشن ہے اور ان کی کوزین جو ہے, ان کا جو کچن ہے, ان کی جو پکوان ہے, ان کے اندر بھی ایک ورائٹی ہے. جو وادی ہے, وادی کے اندر تمہارا کلچرل ہب ہے, سب تہذیبیں اور جو علاقائی چیزیں وہاں پہ آ کے جڑتے ہیں, ایک بڑا خوبصورت بلینڈ بنتا ہے. کشمیر, آزاد کشمیر کے اندر مظفر آباد وہ جگہ ہے جب ہمیں وہاں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو ہم کشمیری یخنی, کشمیری پلاؤ یا ہمیں گوشتابا یا اس طرح کی چیزیں کھانے کا اتفاق ہوتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو ہمارا اسلام آباد ہے, اس اسلام آباد کے اندر کشمیر کوزین کے اوپر کام ہونا چاہیے. ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو ہمارے پاس یہاں پہ فائیو سٹار فور سٹار جو ریسٹورینٹس اور ہوٹل چل رہے ہیں, یہاں پہ کشمیری کوزین کو انٹروڈیوس کروایا جائے اور ہمارے ارباب اختیار کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. بہت اچھی تجویز آپ نے دی ہے عتیق سخاوت صاحب, آپ کا شکریہ. ناظرین جو یہ سیگمنٹ تھا آپ کو اب دکھاتے ہیں ایک کشمیری نغمہ, اس میں کشمیری ثقافت کی جھلک بھی آپ کو نظر آئے گی اور اس کے بعد ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے. برکشر مہربان چوت تو ہر زمانے سلام واسوانے 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 سلام واسوانے واسوانے واسوانے. اگر ہم اپنے سماج میں موجود برائیوں کو نظر انداز کر دیں گے تو پھر ان کو ٹھیک کون کرے گا؟ ماں باپ کو اپنی, جس کو کہتے ہیں نا, آگے پیچھے دائیں بائیں کی سب آنکھیں کھول کر رکھنی پڑتی ہیں. Where do we stand when it comes to being human? اگر رب راضی تو سب راضی, اگر تم نے اپنے رب کو راضی کر دیا تو تمہاری زندگی کے اندر خوشیاں آ جائیں گی اور تمہارے پرابلمز کو تم ہینڈل کرنا سیکھ جاؤ گے. منزل کیسے نزدیک ہوگی کہ کیا دنیا کی طرف سے کوئی انصاف آپ کو ملتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں دنیا پہ بینک کرنے والے لوگ احتجاج کے ساتھ کبھی بھی آزادی نہیں ملتی. آزادی خون مانگتی ہے, قربانی مانگتی ہے, اور اس کے لیے 100 سال ہوتا ہے. ہمارا, میں نے پچھلے کسی آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ وی اسٹل ہیو ٹو گو مے بی ٹو ڈیکڈز. لیکن اب جو اندر, مطلب آپ نے 1 سال آپ کو ہو گیا اوپریس کیا ہوا لوگوں کو, ہر 5 آدمیوں کے اوپر ایک بڑی نیوکلیئر آرمی, ایسے عام آرمی نہیں, لداخ میں جوتے کھاتی ہے پیدل ان سے, اور یہاں جو ہمارے نہاتے لوگ ہیں ان کے اوپر گن تان کے کھڑا ہے. وہ بہت بڑی ریزسٹنس ہے اس وقت وادی میں, رپورٹنگ نہیں آ رہی. میں آپ کو بتاؤں, بہت بڑی فوج کے اندر وہاں بغاوت نظر آ رہی ہے, فوج کے اندر بغاوت ہے. نوجوان بے خوف ہو گئے, میڈیا اس کو کوریج نہیں دے رہا ہے چونکہ کنٹرولڈ ہے سارے کا, انٹرنیٹ وہاں بند کر دیا, سب کچھ بند کیا ہوا ہے, فیسلٹیز نہیں ہے. لیکن جو سفر کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں اس وقت, وہ وہاں جانتے ہیں. یہ طاقت کے, یہ پورا ہندوستان آ کے یہاں بسا لے, یہ پوری ڈیموگرافی لوگوں کو سویپ اوور کر دے, ایون دین یہ نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نے اس کو زیادہ, جو مودی نے آ کے ایک
हिंदुत्व का जो उसने वो किया, इसने जल्दी स्टिमुलेट किया लोगों को। और जाहिर है अभी बाकी फोर्सेस तो एक्सटर्नल फोर्सेस तो वहां जा नहीं सकती, पूरी आपने सील किया हुआ कश्मीर। डॉक्टर साहब एक जो बात है कि यूएन को क्या डर है इंडिया से कि वो अपनी ही करारदादों पर अमल दरामद करवा नहीं सकता? देखिए यूएन का थोड़ा सा, जब ये यूएन की रेजोल्यूशन पास हुई थी कुछ इकदार थी उस वक्त, लोग आर्बिट्रेशन को मानते थे उस वक्त, क्योंकि हमारी यही कामयाबी थी कि यूनाइटेड नेशन में इंडिया गया तो हमने कहा जी ठीक है प्लेबिसाइट हो, ठीक है दोनों तरफ से प्लेबिसाइट होने के, दोनों तरफ से। नेहरू ने पर्टिकुलरली जाके कहा कि जी उनका राइट है कि वो जो एक्सरसाइज करेंगे हम उनको फ्री विल का एक टाइम देंगे और फिर रेफरेंडम के जरिए वो करेंगे। आजाद कश्मीर का जो गवर्नमेंट का पहला प्रोक्लामेशन है 24 अक्टूबर को, उसमें भी यही देखें कि उस वक्त तो ये लगता था कि भाई अनक्रेव ही आने वाला है। जफराबाद हेडक्वार्टर जाने की आपको पता है बुनियादी वजह एक ये भी थी कि और 6 महीने में हमने श्रीनगर जाना है तो शायद पुंछ से सुदनूती से मूव करना मुश्किल हो जाए, वहां जाके एक ट्रांजिट कैंप लगाया था उन्होंने। वक्त के साथ साथ ब्लॉक्स बनते गए, अलग-अलग ब्लॉक बनते गए और इस वक्त सारी दुनिया एक मुस्लिम और नॉन मुस्लिम ब्लॉक में हो गई है, तब्दील हो गई है। ठीक है, सो कॉल्ड जो हमारे ओआईसी है वो भी, उसके भी अपने इन्वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो नहीं जा सके। तो यूएन का जो रोल उस वक्त डिफाइन किया गया वो आर्बिट्रेटरी रोल था। अब आर्बिट्रेटर तो दोनों को बैठा के क्या सकते हैं जी ये करो ये नहीं करो, अनलेस उस वक्त दोनों ने एक्सेप्ट किया तो आर्बिट्रेशन हुई। ठीक है, अब चूंकि अगर उनमें से एक भी फर्द पुल आउट करता है तो आर्बिट्रेटर का स्वायस के निजामती रोल या एडवाइजरी रोल के वो रह जाता है, वो चार्टर 7 में आता है, चार्टर 6 में नहीं आता। चार्टर 7 में जो है उसमें सैंक्शन लगती है, जैसे आचे में लगी, जैसे उन्होंने दूसरी जगह किया। चैप्टर 7 में जाने के लिए क्या हालात है? अब नहीं मेरे ख्याल से हम जा सकते, चूंकि वी हैव टू, अब उस पोजीशन पे वापस तो नहीं जा सकते जब हमने किया है। ऐसा नहीं हो सकता कि चैप्टर 6 से, हाँ अनलेस के जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो पिक कर लें इसको या कंसेंसस डेवलप हो जाए। अब यहाँ से प्रमोट होकर ऐसे वहां नहीं जा सकते, एक हम उन चार्टर उन कारदादों का रेफरेंस दे रहे हैं। चैप्टर 7 में जाएंगे तो नहीं करारदादें पास हो गई, फिर कितने लोग में सपोर्ट करते हैं कितने नहीं करते हैं, लोगों की नहीं। चैप्टर 7 में जाने के लिए हालात ऐसे हों कि तो दोनों ममालक के दरमियान ऐसा झगड़ा हो कि तबाही का बायस बन सकते हों तो वो जान, लेकिन सो मोटो ले सकता है जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो ले सकते हैं एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। हालात ऐसे मौजूद हैं, फ्लैश पॉइंट हमारे पास इतने चॉइसेस नहीं है, हालात ऐसे मौजूद हैं कि फ्लैश पॉइंट बन गया न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट और अभी जा सकता है कि उनको पिकअप करना चाहिए, बस सैंक्शन लगेंगे। लेकिन लग इसलिए नहीं सकती कि हम बहुत बड़े प्लेयर्स के दरमियान में एक टाइनी वार फील्ड हमारा आ गया जिसमें कि हम लोग पीछे जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अब एग्रेसिव रोल प्ले करना चाहिए, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान फ्रीक है इस पूरे उसमें। ठीक बात, ये इंटरवेंशन नहीं होगी बल्कि ये ऑब्लिगेशन है पाकिस्तान के लिए कि जनाब आप सपोर्ट करें उनकी, उनकी मॉरल खाली सपोर्ट नहीं बल्कि एक्टिव सपोर्ट की जाए हमारी। जैसे चाइना चला गया, अंदर चला गया, डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी ना वो, ये भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो अब वो रोज आके एलओसी के ऊपर इधर इधर इस पार जो निहत्ते लोग हैं उनको मारते हैं, ये देखें ना कि हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि वहां भी मुसलमान है। यहां से अगर हम बड़ी एकमत अमली से चलना पड़ता है। क्या आप समझते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो जो हालात पैदा कर रहा है उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल पे उसने कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो ओपनिंग लेनी है ना, वहां उनको मार पड़ रही है। आप देखें इससे बड़ा सदी का मजाक क्या हो सकता है कि एक गोस्ट थिएटर बनाया गया, वार थिएटर बनाया गया, पता नहीं कहां जाके बनाया, वहां जाके उसने फौजी लेटा के, तो मोदी ने अभी जाके मैंने हॉस्पिटल का दौरा किया, ये जो गैलवन हाई रोड पर उनके अपने मीडिया ने एक्सपोज किया जी ये सारा ड्रामा। तो जो आदमी पूरी कौम को बेवकूफ बना रहा है, पूरी आर्मी को बेवकूफ बना रहा है, उसका पहले तो ये था कोई फॉल्स फ्लैग कोई ऑपरेशन करके, वो तो बॉर्डर में नहीं करने दिया, ठीक है, जैसे बॉम्बे अटैक किया था वो किया था। आज अगर वहां कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के किसी भी हेडक्वार्टर के ऊपर, तो उसका ब्लेम हम पे नहीं आ सकता क्योंकि वो वहां के लोगों को आप इस हद तक ले गए, तो वो कोई ना कोई ओपनिंग लेना चाहता है लोगों की, एक इलेक्शन समझे के सिंपैथीज लेने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से वहां जो बाकी कौमें भी उठ गई हैं, जैसे आपने बहुत सी तरीके थी आसाम के, बहुत सारी तरीके थी जो निकल आई, तो मेरे ख्याल से आपको फॉल्स ऑपरेशन भी काम करेगा, तो वो इस डाइवर्ट करने के लिए, डाइवर्ट अब हो नहीं सकती, अब इतनी उनकी अटेंटिव हो गई है, आपके नेपाल हो गया, भूटान हो गया, आपका गैलवन हाइट्स हो गई, लद्दाख हो गया, कि अब उनके लिए ना यहाँ सस्टेन करना मुश्किल है, इस स्टेटस को मेंटेन करना, ना यहाँ से निकलना। लेकिन जो यहाँ से निकलेंगे, मैं आपको बताऊँ, जो मैं आपको जो लोग वहां आ रहे हैं, मतलब जाहिर है वो लोग सुन रहे होंगे,
वो कल जब जाएंगे तो आर्मी हर आदमी के पे, अगर 7-8-10 लाख आर्मी नहीं कंट्रोल कर सकी तो जिस हिंदू को आगे यहाँ बसाएंगे ऐसे ही उसका क्या आश्र होगा, वो अपना आश्र सोच लेगा। बिल्कुल सही है जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और मसला कश्मीर इस वक्त फ्लैश पॉइंट बन चुका है। जरूरत इस अमर की है कि दुनिया इस तरह तवज्जो दे, इस खित्ते के अमन की बहाली के लिए किरदार अदा करे और मसला कश्मीर हल करे ताकि इस खित्ते का अमन और दुनिया का अमन बरकरार रह सके। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने कहा।